2024 लोकसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जब से शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं, तब से ही आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। पहले तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में ये कहा गया कि बीजेपी दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास बर्दाश्त नहीं कर पाई और केजरीवाल के मंत्रियों को झूठे मुकदमे में फंसा रही। आम आदमी पार्टी के इस आरोप से जब माहौल तैयार नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने नया मुद्दा उठा लिया और पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हमलावर हो गए और हर मंच से कहने लगे पीएम मोदी कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी की ओर से भी केजरीवाल को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। सत्ता से सोशल मीडिया तक बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान लगाया गया। इस बयान में योगी आदित्यनाथ कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं सत्ता में बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने का काम कर रहा हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए रिजिजू ने लिखा, दोनों ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन मानसिकता, चरित्र और दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो कस्टोडियन मात्र हूं जी। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि भाई मैं आज हूं, कल कोई और आएगा। मुझे कोई अधिकार नहीं यहां की प्रॉपर्टी को खुर्दबुर्द करने का, गिरवी रखने का, उसको बर्बाद करने का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं एक कस्टोडियन के रूप में केवल इसकी देखरेख करने तक मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कोई नहीं। और मैं जब तक हूं उसका संरक्षण मुझे मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसका नैतिक संरक्षण करना। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। लेकिन रिजिजू यहीं नहीं रुके, उन्होंने अन्ना हजारे का एक बयान भी ट्वीट किया जिसमें अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते दिख रहे हैं। किरण रिजिजू ने इस वीडियो के साथ लिखा, बहुत माफी मांगना चाहूंगा अन्ना हजारे जी, हमें भी पता नहीं था कि अराजकता, भ्रष्टाचार और दुष्टता एक गुण बन जाएगा। एक दिन अन्ना मेरे गुरु कहने वाले और आज रास्ता छोड़कर जा रहे, इसका मुझे दुख है। सत्ता और पैसा लोगों को क्या करेगा कह नहीं सकते। उस टाइम पर ये भी बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनखा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी और पार्टी से भी इनके तनखा ज्यादा है, तो ये ठीक नहीं है। सत्ता और पैसे के लिए ईमान खो देना ये ठीक नहीं। बंगला लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया, तो ये ठीक नहीं है। हम जुबान लोगों को दिया है, उसको बदलना ठीक है। बता दें कि आजकल आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री के साथ ही पीएसी के मेंबर भी थे। केजरीवाल के बाद सिसोदिया का ही स्थान था। आरोप ये लगाया जा रहा है कि शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद को कमजोर करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।